नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। हम खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, डाइट में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट सब कुछ शामिल करते हैं, लेकिन इस हेल्दी खाने का फायदा शरीर को तब मिलता है जब हमारा पेट ठीक रहे, यानी कि सेट रहे। असल में खराब डाइजेशन सब कुछ बिगाड़ देता है। मीनाक्षी, अमित, दरअसल पेट में दर्द, गैस और डायरिया ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें लोग आमतौर पर मामूली मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सारी गंभीर बीमारियों की शुरुआत खराब हाजमे से ही शुरू होती है। पेट की मामूली लगने वाली गड़बड़ी अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी बड़ी आंत में होने वाले अल्सर का रूप ले सकती है, और ये बीमारी बॉडी में प्रोटीन, न्यूट्रिशन और फैट की डिफिशियंसी तो करती ही है, साथ ही मरीज को एनेमिक भी बना देती है, और अगर ज्यादा समय तक इसे इग्नोर कर दिया जाए तो कोलन कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है कि कोलाइटिस का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो कोलाइटिस के मरीज सही लाइफस्टाइल और अपने खानपान को ठीक रखकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव के मुताबिक योग से कोलाइटिस ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि पूरी तरह से क्योर भी होगा, यानी ठीक हो जाएगा। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। और आज अपने घर में ही लोग योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का सब प्रयोग कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले एक बहुत जबरदस्त क्रिया जो करीब 99% रोगों को दूर करने में सक्षम है। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, लगभग एक लीटर तक ऐसे हम दूध से, दही से, दूध से, छाछ से और अलग अलग औषधियों से, नीम के पानी से, कायकल्पवाद से और यहाँ तक कि कॉफी से ये एनेमा तैयार करते हैं। और ये एक इसमें ये किस साइज की है, ये 11 नंबर का ये कैथेटर है। अब ये उससे लगा हुआ है, अब ये पीछे इसमें थोड़ा तेल लगा करके, इसमें तिल का तेल लगा देते हैं या नारियल का तेल लगा देते हैं, ये फिर एनएस से पीछे, क्योंकि टीवी की मर्यादा है इसलिए आपको इतने ही बता रहे हैं, आप देखेंगे कि वो पूरा दूध इसके अंदर चला जाएगा। इसको दूध क्षीर बस्ती बोलते हैं, दूध को क्षीर बोलते हैं, क्षीर बस्ती यहाँ हो रही है और ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको क्या नाम है तुम्हारा? शंभू। पेट में बहुत दर्द होता था और ये था, एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी, छाती में जलन था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। अब क्या हाल है? अभी आराम है। तो कहाँ से हो? दिल्ली से। ये दिल्ली से आए हैं, अब ये चढ़ता हुआ जब जितना सहन कर पाओ, कोई आधा लीटर, कोई 750 ml, कोई 1 लीटर तक, जैसे मेरा जैसा आदमी है तो 1 लीटर तक ले सकता है। तुम्हारा जितना सहन हो उतना बता देना, फिर इसको टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त क्रिया है, माने सबसे ज्यादा विकार आदमी के दो ही जगह रहते हैं, एक इधर और एक इधर, एक दिमाग में और एक मूलाधार स्वाधिष्ठान में। आदमी दो ही चीजों में जीता है, और ये वासना और ये आदमी के विचार, ये आदमी को पता नहीं कहां ले जाके छोड़ते हैं। खैर, यहां से तो शुरुआत कर रहे हैं अभी हम, और एक योग की बहुत जबरदस्त क्रिया है, उसको भी आज शुरुआत में कर ही देते हैं, फिर आपको आगे ले चलेंगे एक एक योग की क्रिया, जिससे कि ये इंडाइजेशन नाम का जो रोग है इसका आज नामो निशा मिटाना है। वाह स्वामी जी, आपने शुरुआत ही आज इतनी जबरदस्त कर दी है कि आज का शो तो जबरदस्त जाने वाला है। तो चलो, आप 5 अभ्यास वो बता रहे हैं, चलो करो बेटा, जो सुबह उठ करके पानी पी लो और ये 5 अभ्यास किए तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कब्ज, दूसरी है कोलाइटिस। तुमको कितनी बार जाना पड़ता था? 15-20-25 बार जाना पड़ता था इसको, और या तो आदमी को 20 से लेके मैं देखता हूं 40 बार तक जाना पड़ता है, या एक बार भी नहीं होता। और सामान्य कंडीशन से लेकर के इसको तो क्या था, इसको रेक्टम कैंसर था। ये बड़ी समस्या ही हो रही है आज, पेट के साथ साथ जो पेट के बड़े उपद्रव हैं इनके भी, रेक्टम कैंसर से लेकर के कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन से लेकर के पाइस, फिसर और फिस्टुला तक हम बात करेंगे। माने 100 में इन सारी बातों को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे नामुमकिन कामों को ही हमने क्रियान्वित किया है। ये
तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोण आसन, बड़े अच्छे हैं ये। इससे पानी सुबह उठ करके प्योर ये अभ्यास करो तो एकदम से पेट साफ होने लगता है। तो आराम आराम से जिससे जितना बन पाए उतना ऐसे करना। अभी थोड़ी देर में हम मिट्टी पट्टी से लेकर के सारे उपचार बताने वाले हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे दाएं तरफ घूम जाओ, यह है कटी चक्रासन, पहले दाएं तरफ छाती जितना दोनों हाथों में फासला, फिर बीच में रुक गए, फिर दूसरी ओर से। अब इसका रेक्टम कैंसर भी अच्छा हो चुका है और फिर बाद में कोलाइटिस था वो भी अच्छा हो चुका है, और इसका कितना जा चुका है, आधा चला गया, और लेगा भाई, पूरा ले ले, ये तो मजबूत है, दिल्ली वाले बड़े मजबूत होते हैं। तो एक लीटर तक ये अंदर चला जाता, आप देख रहे हैं डब्बा खाली होता जा रहा है, और उस ये एक एक पैर थोड़ा सा दाई तरफ हल्का सा मोड़ लेते हैं और थोड़ा पहले पेट पर मसाज कर देते हैं, बाद में पिंडलियों में मसाज कर देते हैं, और ये क्षीर बस्ती ये लाइव जो है किसी भी टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हम दिखा रहे हैं ये बस्ती, और अब साथ में शुरू हो रही है मिट्टी पट्टी भी आपको अभी दिखाने वाले हैं। एक पेट एक फौ बीमारियों की जड़ कहा जाता है, और अगर हाजमा दुरुस्त हो तो फिर ये फौ बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर भी रह सकती हैं। तो पांच योगाभ्यास, क्योंकि आपने तो शुरुआत कर ही दी है, तो वो कौन कौन से पांच योगाभ्यास जो हम डेली कर सकते हैं जिससे कोलाइटिस ना हो, और अगर हो गया है तो वो क्योर भी हो जाए? तो पहले पांच अभ्यास तो प्रक्षालन के कर दिए, और पांच अभ्यास अभी पेट के लिए बता देंगे। उल्टे लेट जाओ, तो एक कॉन्स्टिपेशन के लिए अभी पहले बताया। अब कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन से लेकर के जितने भी पेट के रोग हैं, ये तिर्यक भुजंग आसन, उठ करके सामने से कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, सिर इधर करो आचार्य स्वामी जी, और ये कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना ऐसे ये, और फिर बैठ करके ये घुटने, दोनों घुटनों पर हाथ ऐसे रखो, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऊपर वाला घुटना नीचे की ओर दबाए। ये मिट्टी पट्टी हमने इधर रख दी है, इस मिट्टी के पट्टी के अंदर मिट्टी भरी हुई है, और